अब हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह सेकेंड हैंड सामान खरीदने। तो अब हम आ गए हैं आइकिया में, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। आखिरकार तुम्हारे भाई ने कोलंबिया का जैकेट ले लिया है टू ब्लैक फ्राइडे इवेंट। इसमें ये देखो, ये पूरा गोल्डन कलर का है, तो इसका मतलब है कि ओमनी हीट इन्फिनिटी इनका जो सबसे गर्म वाला मटेरियल है, सबसे गर्म वालों में से एक है वो है ये। ये बॉडी हीट रिफ्लेक्ट करता है और गर्म रखता है एकदम, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड वार्म। हाँ जी, क्या कर रहे हो? बाय बाय बोल रही हो अपनी कंपनी को, इंडिया वाली कंपनी को। नहीं रही तुम रोजगार, मतलब बेरोजगार हो गई? अभी नहीं बेरोजगार हुई, अभी नोटिस पीरियड भी सर्व करना है, के बाद अगर जॉब नहीं लगी तो बेरोजगार हो गई मैं। भगवान करे तुम जल्दी कनेडियन डॉलर में कमाना शुरू करो। हम लोग भाग के बस स्टैंड पे आ रहे हैं क्योंकि हमें बस पकड़नी है, क्योंकि आज हमें घर का सामान खरीदना है, एक्सप्लोर करके देन फिर खरीदना है। तो पहला हमारा टारगेट है कि हम हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी वेस्ट में हम लोग पहले जाएंगे, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, देन आइकिया। बस आ गई है, लेट्स गो। ये बस है जो कि वेस्ट एडमिंटन मॉल तक जाती है, तो ये हमें पकड़ना है, फिर वहाँ से हमें वॉकिंग जाना है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अपने स्टॉप पे, पूरा करीब 53 स्टॉप्स पार करते हुए। मौसम ठीक है ना यार? अभी आज थोड़ा ठीक है, कल आज काफी प्लेजेंट है। कल बहुत वैसा था, आज हमारा मतलब दोपहर का हो गया होगा -8 डिग्री, जो कि बहुत ही अच्छा है, -30 से हमारे लिए समर टाइम है। अब हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह सेकेंड हैंड सामान खरीदने। 6 मिनट यहाँ से दिखा रहा है ना, 5 मिनट का वॉक है यहाँ से, हम लोग पहुँचेंगे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी रीस्टोर करके यहाँ पर होते हैं, वहाँ जाके हम लोग देखेंगे जो आपको कल बताया था कि सेकेंड हैंड फर्नीचर अगर कुछ अच्छा मिला, बढ़िया डील मिली तो वहाँ देखेंगे, नहीं तो हम लोग सीधे जाएंगे आइकिया के स्टोर में। और एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है बता दूँ, जैसे हम लोग जो टिकट लेते हैं, जो 10 टिकट का सेट मंगाया था, तो वो अगर ऑनलाइन आप 10 का सेट मंगाते हो तो $2.75 का पड़ता है, और जब आप इसको बस में देते हो तो बस में जैसे टिकट डालोगे तो आपको इस तरह से ये ट्रांसफ़र बना के देता है, तो मैटर करता है कि उसने किस जगह से फाड़ा है। देखो अगर आप देख रहे होगे इस जगह पर तो 3:15 का टाइम लिखा हुआ है, और अभी टाइम हो रहा है करीब वही 12:45 के आसपास, तो इसका मतलब है कि अगर 3:15 के पहले मैं दूसरी बस पकड़ता हूँ तो मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांसफ़र काम करेगा। तो ये चीज़ यहाँ बहुत सही है, आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको थोड़े किसी काम के लिए आगे जाना है तो आपको वापस आने के लिए फिर दूसरी बस फिर $3.50 लगाने पड़े, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ सही है, तो हम लोग टारगेट यही करेंगे कि 3:15 के पहले आइकिया की बस भी पकड़ लें, क्योंकि वो भी यहाँ से करीब 50-60 मिनट के आसपास दूर है, साउथ में है वो। बर्फीला तूफान भाई, तो पहुँचा दोगे? मैं बंद कर दूँ अब? हाँ, देखो ये कह रहा है पहुँचा देगा, देखते हैं पहुँचा पाता है कि नहीं। ओह ठंड आ गई एकदम से, आओ यहाँ से निकल लेते हैं, सुनो पूजा यहाँ से निकल लेते हैं। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना रीस्टोर, एंट्री यहाँ से नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल्स न्यू एंड जेंटली यूज हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, यहाँ पर ही हमें जाना है। इन फ्रूट्स की बात कर रही थी, क्या है ये? पता नहीं, बेर जैसे लग रहे हैं, बेर खा लो। हॉस्पिटल है आसपास कहीं? चुप रहो। फर्नीचर पर ही चलते हैं सीधा। ये देखो यूज्ड माइक्रोवेव रखा हुआ है, फ्रिज है, एसी का अपना भी है, $50। How you doing today? Hello. $25, ये 150 है। ओह,
$40 के बाहर स्टूल हैं, हमें चाहिए थे एक्चुअली। पूजा ये देखो, साइड टेबल जो होता है अपने बेड के बगल में, ये थोड़ा सा डैमेज है लेकिन, बट क्या है कि अगर शीट चिपका देना ना आजकल तो शीट साथ ही चिपकाने वाली है। 25,000 का है ये देखो, कितना बड़ा ये पूरा शेल्फ है ये देखो इस तरह से देखो। और ये है कितने का? सिर्फ $100। अभी आप बाहर लोगे कम से कम ये $300 का आएगा, कम से कम 500। हाँ वुडन है तो हम लोगों को ये साइड टेबल बहुत पसंद आई है। दिस इज़ ओनली फॉर $25 और एग्जैक्टली सेम आइकिया में है $60 ना। मुश्किल पकड़ो, हमने एक ये स्टूल लिया, ये कॉर्नर स्टूल $20 का है, ये $25 का है, ये काफ़ी रोबस्ट है, दोनों प्रोडक्ट काफ़ी रोबस्ट हैं, प्योर वुडन वाला है, ऐसे प्लाईवुड वाले नहीं हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने ले लिया, काफ़ी बजट में है। हाँ तो ये आप ये कह लो $45 का हमने ये दो स्टूल ले लिया है, जो कि आई बिलीव इट्स अ गुड डील। ये देखो कितने सारे डोर्स, ये सारा हार्डवेयर का सामान, दिस आर कटर्स। जितना देखो वैसे तो घरों में जेट नहीं बनाते बट बेचते प्रॉपर है, $20 का पूरा सेट है। अजहर की गाड़ी में अपना सारा सामान सेट हो गया है। जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, उसके बाद जाते हैं तो बाइक किया जहाँ से हम लोग गद्दा वगैरह खरीदेंगे, यहाँ गद्दे नहीं मिलते बट बाकी चीज़ें एकदम सही रेट पे हैं, मतलब सही से बहुत कम, हाफ रेट पर ही है। हम लोग की आदत है ना कि लेफ्ट साइड को ही देखते हैं, ड्राइवर को ढूंढते हैं अगर किसी गाड़ी में, तो कई बार आता है अरे कोई है नहीं इसमें। गाड़ी चल रही है देखो, मूवमेंट हाँ, अच्छा बोल रहे भाई क्या गजब, लेकिन क्या गजब है ना पूरा ये फर्निशिंग के लिए, और घर के सारे सामान सब कुछ खुद से करना होता है तो आओ सेलेक्ट करो और खुद से करो। तो किसी को घर अगर सेट करना, मतलब सेट क्या करना, मतलब पूरा बनाना है, सब कुछ है भाई। डेकिंग, मोल्डिंग, विंडोज, यहाँ से भी वैन मिल जाती है मोनिश, वैन मिल जाती है सामान ले जाने के $24। हम लोग यहाँ पर सामान एक्चुअली सारा है यहाँ पर होम डिपो पे, बट थोड़ा कॉस्टली लग रहा है तो एक बार जाके आइकिया में भी देख लेते हैं। तो आइकिया आप लोगों ने भी सुना होगा काफ़ी फेमस है, अपने नोएडा में भी खुलने ही वाला है अभी एक साल के अंदर अंदर ही, तो आइकिया चलते हैं वहाँ देखते हैं क्या क्या, वहाँ फाइनल करना ही करना है। फोटो तो अब हम आ गए हैं आइकिया में, मेरे खुशी का ठिकाने नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने अभी तक वीडियोज ही देखी इतनी सारी होम डेकोरेशंस और फर्निशिंग का जितना भी होता था, तो हम लोग आए हैं, होपफुली अच्छी डील मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन कॉस्ट तो काफ़ी रीजनेबल है, सुंदर काउंटर है। सब लोग येलो जैकेट में है, आइकिया का ड्रेस कोड येलो जैकेट। पहला सामान मिल गया, ये सेंटर टेबल उस तरह से है, मतलब कॉफ़ी टेबल कह लो सेंटर टेबल, हमारा तो यही रहेगा बस एक टेबल घर में, और जो दूसरा वो $20 का वहाँ से लेके आए, वो थोड़ा मंदिर मंदिर सेट करने के लिए $39 ओनली। कहाँ कहाँ बनी बनाई दिखा देते एक बार, नहीं उतनी अच्छी भी तो नहीं होगी ना फिर, ये रखी है अरे नॉर्मल टेबल बस है ये, मोनिश को ये तो नहीं चाहिए है। ये लड़की ना पागल हो गई है, और भाई वाकई में जगह ऐसी है कि इंसान पागल ही हो जाए अगर घर सेट करना है तो। हाँ ये $150 का ये शेल्फ है पूरे ड्रॉर्स, ये बेड वाला आइटम आ गया पूरा,
Fortress Twin. All twin. Queen हम लोगों को चाहिए यहाँ पर. Twin है अभी. Queen. नहीं ये नहीं है. ये 549 का क्यों है? 549 का है. कैसे? Ferguson $329 fine. मिल गया गद्दा. हाँ 10 इंच का है. 10 इंच. बट लेके कैसे जाना है? दिस इज अ सोचने वाली बात है. देखते हैं, पहले पूछते हैं कि किस तरह से डिलीवरी होती है यहाँ पर. गाड़ी में तो पॉसिबल ही नहीं है. 97190 बोले तो. ये देखो यहाँ पर ना सारी चीज़ें ऐसे ही पैक रखी रहती हैं तो आपको कुछ दिखेगा नहीं. बट अगर आप चलते हुए जाते हो तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है, किस चीज़ की फ़ोटो बनी है. तो वही चीज़ एरो ऊपर है, नीचे है, प्राइस करके लिखा होगा. अलग अलग तरीके हैं भाई सबके अपने. बार स्टूल हम लोगों ने ऐड कर लिया. बार स्टूल वही है जो ऊँचा सा स्टूल है जिसमें हम लोग अभी बैठ के खाना खाते हैं ना, अपने घर में रखा हुआ है. तो वही हमने यहाँ से अभी देख लिया है कैसा. ऐड तो सिलेक्ट कर चुके थे हम लोग, अभी देख लिया है कैसा, तो वही मंगाएंगे. $24 का एक स्टूल है लंबा वाला. पर यह कि उसमें कुशन नहीं है, तो सीट है वो थोड़ी हार्ड सी है. बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बट ठीक है. तो उसके लिए हम लोगों ने गद्दी भी ले ली है. $9 की गद्दी है. और लैंप देखते हैं फिर चलते हैं. इस तरफ है क्या? वो रहा मुझे चाहिए. मुझे यहीं कहीं होगा. कितना सही है बे. ये 29 है, ये 89 क्यों है? कौन सा हम कौन सा देख रहे थे? आई गेस हम 29 वाला देख रहे हैं. अबे $18 मिले. तुम ये वाला देखो. टैग रैप है ना. हाँ इसको ऐड करते हैं अभी. अच्छा है ना ये. ये देखो देखो कितना सही होंगे. खैर वो तो खैर आ जाएंगे. अच्छा चलो तो रोशनी में इतना रखा. हाँ वो रोशनी कम करेगा यहाँ पर. बट वो तो प्योरली बल्ब पे डिपेंड करेगा ना, है ना? तो ये बार लास्ट, एक बार लास्ट ले देते हैं, एक वो ले देते हैं टैगर टैग करके जो है. तो यहाँ पर ऐसा पेल के रखा हुआ है सब, हर चीज़, हर तरह की चीज़ बढ़िया बढ़िया रेट पर. बेकार सा है, उतना फर्म नहीं है. सारे प्लांट्स मैंने अपने इंडिया वाले घर में रखे हुए थे. बहुत सस्ते हैं देखो. 70 रुपये केवल, 4,500 रुपये. एलोवेरा प्लांट $6 का है. हाँ $5 का है. और स्नेक प्लांट मतलब काफ़ी अच्छे हैं. और ऐसा नहीं कि तुम एकदम बहुत बड़ा वाला लोगे तो ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेगा. उस तरह तीन चीज़ है ना. 73.47. डन. मज़ा आया भाई. फर्नीचर का डिकैथलॉन. फर्नीचर का डिकैथलॉन. हम लोगों ने यहाँ वॉलमार्ट में ही पास में जो वॉलमार्ट था उसी में मैकडी था, वहाँ आ गए खाए पिए. उसके बाद एक दो सामान यहाँ से भी ले लिए. अभी ये जो मोहनीश लेके चल रहा है, ये वाइट वाला जो है ये शू रैक है. चार सेक्शन वाला शू रैक है. कितने का था ये? $11. 10.97. और ये अपनी शू ट्रे है. इंडिया के लोगों को नहीं पता होगा इसकी क्या वैल्यू है बट यहाँ पर बहुत है. क्योंकि जैसे ही हम शूज़ उतार के रखते हैं तो उसकी जो बर्फ़ होती है ना वो पूरी पिघल जाती है और पानी पानी हो जाएगा पूरे में. तो अगर आपने केवल रैक लिया हुआ है तो वो नीचे पानी हो जाएगा पूरे. अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जाएंगे अपने घर में. सारा सामान तो हो गई, मतलब काम की चीज़ें आई हैं. जाके सबसे और सामान रख के फिर हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि हमें अपना IKEA का ऑर्डर डालना है और वो करेगा होम डिलीवरी. $59 लगते हैं डिलीवरी के.